सही पोखर और डुमरी पोखर के गरीब परिवार लोग के घर, भूमिहीन लोग के घर उजाड़ दिए थे, उजाड़ दिए हैं। इनके कोई शुद्धि लेने न गए, न पर्चा काट के दिए, न घर दिए और न गलत करने वाले सीओ पर कार्रवाई डीएम साहब किए हैं। बहुत लापरवाही हो रही है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग है कि डीएम साहब नहीं सुन रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इनको भी कुर्सी से हटाया जाए। जिला प्रशासन हाय 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 हाय, गरीबों का घर तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दोहरी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुछ नहीं, गोल मटोल बात करते हैं कि होगा, काम होगा, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि वो करेंगे, क्योंकि बार बार हम लोग आवेदन दिए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, सीओ से भी जाके मुसहरी प्रखंड मिले हैं, वो भी बोले हैं कि हाँ इनका काम होली के बाद कर देंगे, लेकिन नहीं अभी तक किए हैं। और अनशन करने के भी इनको आवेदन कब से दे चुके थे कि अगर आप काम नहीं करिएगा तो हम अमरन अनशन पर बैठेंगे, फिर भी इन्होंने काम नहीं किए। गोबर मजबूरन में हमको अमरन अनशन करना पड़ा है। आज 8वां दिन हो गया, लेकिन डीएम साहब की कोई परवाह नहीं है, कोई मारे मेटे उससे कोई उनका मतलब नहीं। दिने दिने जो है सो, हाँ तबीयत खराब हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग से भी कोई जांच उच करने नहीं आता है। 4 दिन होने पर मात्र में एक दिन आया था, ओकरा बाद से कोई नहीं आता है। उन लोग के लग रहा है कि नहीं जाएंगे स्वास्थ्य जांच करने, लाइन काट दिए हैं कि ये उसे लाइन नहीं रहेगा तो ये जो है गरीब के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगी, गरीब लोग कमज़ोर हो जाएगा, ये अपने से माने कि चले जाएगी, हमको बात जो कहेंगे कि कर देंगे ये इतने मान के चले जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि जब तक ले गोबरसही और डुमरी पोखर के समीप रहने वाले गरीब परिवार को पर्चा काट के नहीं देंगे, उनको घर घर तोड़ने वाले सीओ मुसहरी प्रखंड के सीओ पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ले हम अमरन अनशन पर जारी रहेंगे, एला मेरा जान रहे या जाए। जैसे तैसे सब जो है गोलत्ती चावल गोलत्ती चोखा खा के रहते हैं, या वो भी गोलत्तियो चोखा पर आफत होल है, फिर भी लोग जो है अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, बाले बच्चे बूढ़े पुरनिया सब माने यहाँ पर आ रहे हैं, रात के भी रहते हैं, लेकिन डीएम साहब के कुछ नहीं सूझ रहा है। अगर नहीं सुनते हैं तो क्या कीजिएगा? नहीं सुनते हैं तो तरह तरह के जो है इन लोग अपना जुलूस निकालेंगे, तरह तरह के अपना माने कि अपना आक्रोश दिखाएंगे। जो पब्लिक के लिए काम करवे नहीं करेंगे उसको क्यों रखा जाएगा? धर्मंती देवी, लोक चेतना दल के प्रदेश संगठन सचिव। जय हिंद, जय भारत। तो आपको पता है सच का आईना।